और हम आपको बताएंगे गुड़ खाने के स्वास्थ्य लाभ। गुड़ के बारे में आप जानते ही हैं, ईख से बनता है। खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खाने का मन करता है, इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप गुड़ खाएं। गुड़ का सेवन करने से आप हेल्दी बने रह सकते हैं। अब क्या क्या स्वास्थ्य लाभ देता है वो हम आपको बताते हैं। इससे गैस की दिक्कत नहीं होती। जिन लोगों को गैस की परेशानी है वो रोज लंच या डिनर के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। गुड़ आयरन का मुख्य स्रोत है, इसलिए एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत अधिक उपयोगी होता है। पाचन क्रिया को सही रखता है। गुड़ शरीर का रक्त साफ करता है और मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। रोज एक गिलास पानी या दूध के साथ थोड़े से गुड़ का सेवन पेट को ठंडक देता है। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ रक्त को शुद्ध करता है जिससे त्वचा दमकती है और मुहासे से समस्या नहीं होती है। गुड़ की तासीर के बारे में आपको बता देते हैं। गुड़ की तासीर गर्म है, इसलिए इसका सेवन जुकाम और कफ से आराम दिलाता है। जुकाम के दौरान अगर आप कच्चा गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो चाय या लड्डू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा और एनर्जी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करने पर गुड़ का सेवन करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गुड़ जल्दी पच जाता है, इससे शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता। दिन भर काम करने के बाद जब भी आपको थकान हो तुरंत गुड़ खाकर राहत पाएं। जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। रोज गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक का सेवन करें, इससे जोड़ों के दर्द की दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही गुड़ के साथ पके चावल खाने से बैठा हुआ गला और आवाज भी खुल जाती है। गुड़ के काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा की परेशानी नहीं होती। जुकाम यदि जम गया हो तो गुड़ पिघलाकर उसकी पपड़ी बनाकर खिलाइए, जबरदस्त फायदा होगा। गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, इसमें एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, इसलिए दमा के मरीजों के लिए इसका काफी जो सेवन है काफी फायदेमंद है। 5 ग्राम गुड़ को इतने ही सरसों के तेल में मिलाकर खाने से श्वास रोग से छुटकारा मिलता है। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। 5 ग्राम सौंठ 10 ग्राम गुड़ के साथ लेने से पीलिया रोग में लाभ होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।